बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. अभी मैंने जस्ट मेंशन किया मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सीरीज़ देखने के लिए. अभी जस्ट मैंने फ़िलहाल मेंशन किया कि बहुत साल पहले एकता कपूर एक रेवोल्यूशनिक चेंज लाई थी टीवी में, जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इतने सारे शोज हुए, डेली सोप ये क्या था, कैसे था, कब आया, ये सारी चीज़ें एकता ने टेलीविज़न पे लाकर ऑडियंस को एक नया, आई वुड से एक नया विजन दिया, एक नया तरीका दिया टीवी देखने का. एंड आई थिंक आफ्टर सो मेनी ईयर्स शी इज़ गेटिंग येट अगेन दिस वंडरफुल चेंज. टीवी देखना जैसे बहुत कम हो गया लोगों के लिए. आप एपिसोड्स मिस करते हो, आप यू नो घर पे लेट पहुंचते हो, आपको एपिसोड देखने को नहीं मिलता. ऐसा एक मौका लोगों को ये सीरीज़ के थ्रू दैट यू कैन सी द एपिसोड एनी टाइम एनीवेयर, व्हिच इज़ सो वंडरफुल यू नो. आप कितने संदेश को बोला जाए Well, very excited. What Balaji is doing, it's very nice. And very, very nice idea ke digital ho raha hai. And it's a very good idea for other newcomers also, jo unka khud ka web series likhana chahte hai, kuch karna chahte hai, bahut achha hai ye. And she correctly mentioned that if anyone misses an episode, then yes, they can actually go and watch this thing. So it's very nice. It's mobile, so you can watch it anywhere, wherever you are. ज़रूर देखेंगे, मैं ज़रूर करना चाहूँगी. ज़रूर देखेंगे आप, जल्द ही देखेंगे. सो वैसे कुछ प्लानिंग चल रही है हमें समान? अभी तो ऐसे कुछ प्लानिंग चल नहीं रही है, लेकिन जल्द ही आप देखेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. आई थिंक हम सभी एक्साइटेड हैं, स्पेशली अभी जब नया चैनल आ रहा है एंड इतनी सारी जनरेशन डिजिटल हो रही है. सो इट्स एब्सोल्युटली गुड, वेरी एक्साइटेड. वेब सीरीज को लेकर कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि मेरे घर पे दो जवान बेटे हैं मेरे, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल. और आगे भी हम आपको देखेंगे इस तरह से वेब सीरीज में? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब मेकर्स के पास होता है कि क्या वो मुझे लेना चाहेंगे, क्या नहीं लेना चाहेंगे. मतलब आपकी भी इच्छा? हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि हर इच्छा पूरी हो. बट या व्हाई नॉट, इफ आई इफ इट्स गुड एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट. आगे आपके अपन क्या कुछ प्रोजेक्ट होंगे? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं. नो थैंक यू. बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने हमेशा कहा है कि मीडियम जो माध्यम है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस गुड कॉन्टेंट. और आई थिंक इट्स अच्छा है कि फिल्म, टेलीविजन, वेब सीरीज, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, हर माध्यम से अच्छे कॉन्टेंट ऑडियंस के सामने आए. द पॉइंट इज टू बी ए गुड स्टोरी टेलर. एंड आई थिंक वेब सीरीज अभी जो ऑनलाइन कॉन्टेंट है वो काफ़ी इंकरेज किए जा रहे हैं और काफ़ी इन है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू.
ऑनलाइन वेब सीरीज में जाकर फिल्में देखना पसंद करती हैं या थिएटर पर्सनली? पर्सनली जैसा मेरा वर्क स्केड्यूल है, मुझे ज़्यादातर आई एम अ नेटफ्लिक्स एडिक्ट, मुझे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन में मैं सबसे ज़्यादा फिल्में और सीरीज़ देखती हूँ. अब मेरा नया एडिक्शन ऑल्ट होगा तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्केड्यूल इट्स ऑलवेज ऑनलाइन, अदरवाइज थिएटर एक्सपीरियंस तो थिएटर एक्सपीरियंस है. आपके उस नए सीरीज या नए अपकमिंग के बारे में? अभी फिलहाल तो चंद्रनंदिनी कर रही हूँ, बट आई वुड लव टू डू मोर एंड मोर वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स ऑल्सो. मैंने खुद शॉर्ट फिल्म पिछले साल एक को प्रोड्यूस भी किया था, इंटीरियर कैफे नाइट, और अभी एक मेरी नई शॉर्ट फिल्म भी आई थी वीजा. बट वेब सीरीज के बारे में कुछ सोचा नहीं है, कुछ ऐसे ऑफर्स नहीं आए, बट जब भी आएंगे आई लव टू डू इट. थैंक यू सो मच. मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मुझे किरण घोष के साथ वर्क करने का चांस मिला, विच आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू. आई थिंक इट वॉज अ रियली फन टाइम, बहुत ही मजा आया शूट करके, जैसे आपने देखा. एंड जयपुर में शूट कर रहे थे, बॉम्बे में शूट कर रहे थे, एंड यूनिट के साथ बहुत मजा आया. एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. आई थिंक एकता हैज डन अ ग्रेट जॉब विद ऑल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ बिग हिट, नॉट ओनली देव डबल डी बट ऑल द शोज. सब कुछ यार, मतलब पूरा तो फुल एक्सपीरियंस वॉज फन. सब निकाल दिया. डिजिटल इज द न्यू मीडियम अभी तो, डिजिटल इज द वे टू गो. तो आई थिंक ये जो ऑल्ट प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इट्स गोना डू रियली वेल. एंड आई थिंक जो भी जितने भी अभी जितने भी फिल्म रिलेटेड कॉन्टेंट निकल रहा है, जो भी जितना भी फिल्म रिलेटेड कॉन्टेंट निकल रहा है, इट्स ऑल गोइंग टूवर्ड्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट्स ईजी फॉर पीपल टू वॉच. आप अपने फोन पे देख सकते हो, अपने लैपटॉप पे देख सकते हो, टैबलेट पे देख सकते हो. सो इट्स फन, इट्स ग्रेट, और दैट्स द वे टू गो. दैट्स हाउ वी मूविंग फॉरवर्ड. बहुत अच्छा लगा, एवरीवन हैड अ ग्रेट टाइम. उनको कंटेंट बहुत अच्छा लगा, उनको स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा. ऑफ कोर्स जो पूरा ट्रीटमेंट है इज फन, एवरीवन इज लाफिंग. अभी यू विल सी समथिंग सून. वो आपको देखना पड़ेगा, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, आई डू जो भी मिलता है. तो आई सी सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो मतलब इट माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आया. थिंग टू वॉच, या आई रियली लव्ड इट. आई मीन ऑब्वियसली द कर ले तू मोहब्बत, यू नो दैट वन इज आल्सो रियली नाइस. ऑब्वियसली राम और साक्षी की केमिस्ट्री इज लाइक इट्स आउटस्टैंडिंग. हम सब ने देखी हुई है, बड़े अच्छे लगते हैं. यू नो यहाँ पे वापस वो देखने को मिली. बट आई थिंक फॉर अस द काइंड ऑफ शोज वी लाइक, आई थिंक देव डबल डी इज द शो. या इज द शो, मतलब आज के टाइम का है. एंड यू नो द वे दे पोर्ट्रेड लाइक कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है. इवन द मदर, आई थिंक शी इज सो गुड. लड़की तो बहुत ही अच्छी है, शी इज डैम गुड. या ऑल ऑफ देम आर लाइक कास्टिंग हैज बीन फैबुलस. एंड केन आई थिंक हैज डन अ फैबुलस जॉब. केन मुझ की इज्जत बढ़ गई है. यस, बहुत बहुत अच्छा काम किया क्योंकि आप लोगों ने. एंड व्हाट आई हर्ड वाज के क्योंकि मैंने बाहर आके बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरी जो फ्रेंड है जो क्रिएटिव डायरेक्टर है ऑफ शी सेड कि इट ओनली गेट्स बेटर. तो हमने सिर्फ चार एपिसोड्स देखे, बट उसके आगे शी इज सेइंग इट गेटिंग बेटर. देन आई विल डेफिनेटली डाउनलोड द एप्लीकेशन. एंड आल्सो आई थिंक द पोस्टर सेज संजय सूरी इज आल्सो देयर. या या, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि शादी फन या रोमांस, ये आप लोगों क्या लगता है? आई थिंक इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ. सिर्फ फन करोगे तो सच्चे सड़कों पे खेल लोगे, और रोमांस करना है तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. आई थिंक मैरिज फन एंड नीड बोथ. ओके, तो वेब सीरीज में कितना बिलीव करते हैं आप लोग, या फिल्म में थिएटर में जाना फिल्में देखने ज्यादा अच्छा लगता है या वेब सीरीज? आई लव वाचिंग शोज, आई लव वाचिंग टीवी शोज इवन अदरवाइज. तो मैं बहुत सारे अमेरिकन मैं बहुत सारे अमेरिकन टीवी शोज वैसे भी देखती हूँ.
सो आई एम ऑलवेज हुक्ड ऑन टू माय आईपैड. मैं सिर्फ उसी पे सब कुछ देखती हूँ. सो फॉर मी ऑल बालाजी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग्स. आई विल जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड वॉच बिकॉज आई एम रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि बालाजी हैज एक्चुअली कम अप एंड मेड समथिंग सो 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 डिफरेंट अदर देन द डेली सोप्स जो वो बनाते ही हैं. बट उसके अलावा जो देव डबल डी बनाया है, जो निमरत वाला शो का पोस्टर है, वो भी बहुत अलग लग रहा है. सो यू नो इट्स वेरी गुड फॉर अस ऑल्सो एज एक्टर्स जिनको आगे प्रॉब्ली काम मिले टू डू वेब सीरीज. सो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि हम कुछ अलग करेंगे यू नो इन अ वेब सीरीज अदर देन द डेली सोप्स दैट वी डू. आगे हम आप दोनों को वेब सीरीज में साथ में देखेंगे. जितना ये शादी फन उन्होंने देख लिया आई थिंक अभी यूथ जो देखना चाहता है बेटर वो बनाओ जैसे देव डबल डी. आई थिंक यार वी नीड टू एक्सपेरिमेंट आल्सो विद यू नो आवर एक्टिंग स्किल्स एंड आवर कैपेबिलिटीज. सो आई थिंक वी शुड जस्ट गो अहेड एंड डू समथिंग दैट वी हैवंट डन. थैंक यू सो मच.